ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, मेरी नाम सुष्मिता है। मेरा आज सुबह एक नंबर से फ़ोन पे के लिए कॉल आया था, जिससे मैं अभी लाइव कॉल करने जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी। अभी लाइव ये जो कॉल है समझ में आई, तो मैं अभी इसे कॉल लगा रही हूँ। आप लाइव सुन लीजिए। हेलो हेलो जी, बोलिए। कॉल आया था सुबह इस नंबर से। जी मैं फोन पे कंपनी से बोल रहा हूँ। फोन पे चला रहे हैं अभी? नहीं, फोन पे आपका नहीं चल रही है? हाँ, अकाउंट ओपन है। हाँ तो आपका फोन पे में इंटरेस्ट आया है कैशबैक 4,999 रुपया का। अच्छा, उसको रिसीव लेना है या कैंसिल करवाना है? रिसीव लेके क्या होगा? रिसीव लेने के लिए आपका मोबाइल में फोन पे लॉगिन है अभी? हाँ जी, उसको ओपन कीजिए, मैं लाइन पर हूँ अभी। आपका अकाउंट में 4,999 रुपया जमा हो जाएगी। अच्छा जी, तो कैशबैक अकाउंट में आ जाएगा ना डायरेक्ट? जी जी, आपका डायरेक्ट फोन पे में मिलेगी। फोन पे से आपका डायरेक्ट अकाउंट में जमा हो जाएगी। लेना है उसको? क्या लेना है? लेना है मतलब अगर मेरा अकाउंट में आए हैं तो मेरा अकाउंट में जमा हो जाएगा ना ऑटोमेटिक? जी अकाउंट में नहीं मिला है आपका, फोन पे कंपनी जो है फोन पे में आपको मिलेगी। फोन पे से आपका ये अकाउंट में जमा होगी। अच्छा, प्रोसेस बताइए जरा क्या है। हाँ, फोन पे को ओपन कीजिए, अभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कैशबैक कूपन आपका फोन पे में। उसको अपना अकाउंट में रिसीव लेना है, मैं आपको प्रोसेस बताएंगे। पहले फोन पे को ओपन कीजिए, खोलिए उसको। ओके। क्या? ओके, खोल रही हूँ। जी खोलिए। हाँ जी, हाँ खोले। हाँ हाँ, फोन पे में देखिए बेल आइकन घंटी का चिन्ह दिखाई दे रहा है ऊपर में राइट साइड में? हाँ, घंटी को दबाइए। दबाया, घंटी को दबाए। देखिए वहाँ पे कैशबैक कूपन आपको मिला अभी? नहीं। क्या नहीं? नहीं मिला है? नहीं। फोन पे में बेल आइकन घंटी का चिन्ह है ना ऊपर में राइट साइड में? हाँ। वो घंटी को फिर से एक बार दबाइए। दबाएं? हाँ हाँ, देखिए वहाँ पे कैशबैक कूपन आपको मिला रिवॉर्ड में? हाँ, एक नोटिफिकेशन आया तो है कि हाँ। कितना का मिला है? 4,999। जी 4,999 रुपया का आपका कैशबैक कूपन मिला है आपका फोन पे में, कंपनी की ओर से आपको फोन पे में मिला है, ठीक है ना? अच्छा, वो कैशबैक कूपन को अपना फोन पे से अपना अकाउंट में उसको पे कर लीजिए। नीचे में POY पे लिखा है ना, फोन पे अकाउंट में ही, फोन पे वॉलेट में तो आ जाएगा ना सर? हाँ, फोन पे वॉलेट में अभी आपको मिला है ना? फोन पे में तो यहाँ पे हाँ, ये 4,999 रुपया आपका फोन पे वॉलेट में मिले। वॉलेट से अपना अकाउंट में उसको रिसीव कर लीजिए, अपना अकाउंट में फोन पे से अपना अकाउंट में पे कीजिए। नीचे में POY पे लिखा है ना? हाँ, हाँ पे को दबाइए। ये तो पे करना होगा तब? हाँ, ये फोन पे से आपका अकाउंट में पे करना पड़ेगा। वो उसको अपना अकाउंट में पे कीजिए, उसके बाद आपको आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा। वहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगी, ठीक है? आपका अकाउंट में क्रेडिट होगी, ये कंपनी से डेबिट होगा और आपका अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है? तो फोन पे वॉलेट में भी क्रेडिट हो सकता है ना सर?
हाँ तो ये फोन पे वॉलेट में आपको अभी मिला है, उसको वॉलेट से अपना अकाउंट में पे कीजिए ना, पे को दबाइए ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ पे को दबाई हो। हाँ उसके बाद नीचे में, अरे पे को कहाँ है, आप कैंसिल कर रहे हैं? नहीं आप इसको कैंसिल कर दिए, वहाँ पे शो कर रही है अभी, देखिए तो पे को दबाई तो सेंट का ऑप्शन आया है, जैसे किसी को पैसा भेजती हो आप कैंसिल कर दे रहे हैं। देखिए अभी हाँ उसी तरह आपको प्रोसेस करना है, पे को दबाना है, उसके बाद सेंड को दबाना है, उसके बाद आपको बगल में क्रेडिट आएगी, ठीक है, उसको अपना अकाउंट में क्रेडिट करना है, वो फोन पे से आप अपना अकाउंट में पे कीजिए, अपना अकाउंट में सेंड कीजिए, उसके बाद बगल में क्रेडिट आएगा, उसको अपना अकाउंट में क्रेडिट करना है। सेंड को दबाई हो लेकिन यहाँ पे तो क्रेडिट ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेंड को दबाने के बाद उसमें यूपीआई पासवर्ड मांग रहा है ना? हाँ पासवर्ड डालिए उसमें। हाँ पासवर्ड डाला है। कनेक्शन सिक्योरली दिखा रहा है क्या? कनेक्शन सिक्योरली दिखा रहा है। देखिए आप पहले पे को दबाए हैं? हाँ सर। हाँ उसके बाद नीचे में सेंड लिखा है ना, सेंड को दबाएं। हाँ हाँ सेंड को दबाने के बाद उसमें यूपीआई पासवर्ड दे करके उसको डन किए। हाँ डन करने के बाद क्या बता रहा है? यहाँ पे तो किसी राजो रजोर पे को दिखा रहा है कि जाएगा पैसा। हाँ रिजर्व पे दिखाई जा रहा है, आप उसको यूपीआई पासवर्ड दे करके उसको डन कीजिए। हाँ डन तो की हो। हाँ डन करने के बाद क्या बता रहा है? बता रहा है पेमेंट हुआ है। पेमेंट फेल्ड बता रहा है या सक्सेसफुल बता रहा है? कुछ नहीं बताया। आप अपना पहले फोन पे में चेक बैलेंस जो होता है ना, चेक बैलेंस से कर लीजिए, देखिए शायद आपका बैलेंस चला गया होगा, चेक कीजिए तो। अच्छा ठीक है जी करती हूँ। हाँ कीजिए मैं लाइन करूँ। अच्छा फोन पे वॉलेट में ना? जी जी ओके। जीरो बैलेंस दिखा रहा है तो। पुराना आपका बैलेंस कितना है अभी? जीरो ही है। जीरो ही है ना? हाँ ठीक है लाइन पर रहिए, आपको कम कम करके आपको मिलेगी, ठीक है। कितना करके मिलेगी? कम कम करके आपको मिलेगी, चार नोटिफिकेशन में आपका ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए फिर से बेल आइकन, घंटी जो है घंटी पे जाइए। हाँ यहाँ पे तो पहले का गायब हो गया। पहले का गायब हो गया है ना? हाँ वो अभी दूसरा मिलेगी, वो तो यहाँ से फेल्ड हो गया आपका ना, वहाँ पे आप जैसे प्रोसेस किए ना, प्रोसेस करने के बाद फेल्ड बता रही है ना? नहीं देखिए फिर से घंटी को दबाइए, दबाए। हाँ हाँ अभी मिला है आपको? यहाँ पे तो 900 रुपया दिखा रहा है। हाँ अभी 900 रुपया का गया है, आपको कम कम करके मिलेगा, ठीक है, आपको पहले बोला ना कम कम करके आपको मिलेगी, चार बार में आपको जमा हो जाएगी, इसको पे कीजिए, पे को दबाइए। ओके वो तो सेम प्रोसेस होंगे। हाँ सेम प्रोसेस कीजिए, पे को दबाइए, सेंड को दबाइए, पासवर्ड देकर के डन कीजिए, बगल में क्रेडिट आएगी, जैसे पासवर्ड डालिएगा ना, हाँ बगल में क्रेडिट का ऑप्शन आएगी, क्रेडिट को दबा लेना है, क्रेडिट करना है अपना अकाउंट में, पहले पे कीजिए, उसके बाद सेंड कीजिए और पासवर्ड देकर के डन कीजिए, उसके बाद आपको क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगी। डन करने के बाद तो चला जाएगा बैलेंस सर। आप कैंसिल कर रहे हैं, क्या बैलेंस चला गया? ये अकाउंट का पैसा चला जाएगा ना? अरे आपका ये अकाउंट से बैलेंस कैसे जाएगी? आप बोले कि हमारा अकाउंट में अभी जीरो बैलेंस है, तो आपका अकाउंट से बैलेंस कैसे जाएगी बताइए? वो तो बैंक का अकाउंट में है ना, तो उससे तो चला जाएगा। कैसे जाएगा? बैंक का अकाउंट में जो बैलेंस है आपका फोन पे में शो करेगी ना? तो शो करेगी तो मुझे तो पता, यहाँ पे तो
पैसा सेंड होगा बता रहा है, ये राजो पे जो जो है उसका अकाउंट में सेंड होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, क्या आप समझाएंगे? इतना देर तक आपको समझा रहे हैं फिर भी आप समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बोला कि आपका फोन पे कंपनी से कॉल किया गया है, इसमें आपको एक भी रुपया नहीं कटेगी। अगर यदि आपको रिसीव लेना है तो प्रोसेस को पूरा कीजिए, नहीं तो फोन को काट लीजिए। ठीक है, रिसीव देना है तो आप दे दीजिए ना। हाँ तो मैं आपको भेज रहा हूँ ना, तो आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको पिन को दबाइए। यहाँ पे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? पे को दबाइए। हाँ पे को दबा के ही तो बोल रहे हो सर। हाँ फिर से एक बार दबाइए। ओके सर, दबाइए। हाँ सेंड को दबाइए। वो सेम तो आ रहा है सर। सेंड को दबाएं। सेम वो आ रहा है तो। हाँ सेम तो वही मिलेगी, सेंड को दबाइए ना, मैं बोल रहा हूँ सेंड को दबाइए ना। चला जाएगा तो बैलेंस मेरा। आपका एक भी बैलेंस नहीं कटेगी मैडम जी, आप ये नंबर को नोट कर लीजिए। जब तक आपको अकाउंट में बैलेंस जमा नहीं होगी तब तक मैं फोन को नहीं काटेंगे। आपका ये कोई 900 रुपया बड़ा रकम नहीं है, ठीक है? आप इसको एक बार रिसीव करके देखिए आपका अकाउंट में जमा हो रही है। अच्छा, कम या नहीं कर हो रही है। आप 1 रुपया करके दीजिए। 1 रुपया का नोटिफिकेशन कंपनी से नहीं यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है ना? लास्ट आपको 900 का मिला है, इसको प्रोसेस कीजिए, उसके बाद आपको बड़ा नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है? मुझे आपको बिलीव नहीं हो रहा है आपका बात को, इसलिए 1 रुपया करके मुझे दिखाइए। अरे मैम जी, आप मेरी बात को समझने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अलाव 1 रुपया का नहीं है। लेकिन 1 रुपया तो जाता है फोन पे से, जाता है। मैं तो पहले किसी को सेंड करती हूँ तो 1 रुपया पहले चेक करने के लिए जाता है। आप मेरी बात को सुनिए। हाँ सर, आप जो है आपका अकाउंट से मैं 900 रुपया काट के बड़ा आदमी नहीं बन जाएगी। ये 900 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं है, ठीक है? आप ये काम कीजिए, विश्वास करके आप इसको एक बार प्रोसेस को पूरा कीजिए, देखिए आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यदि आपको 1 भी रुपया कट जाएगा तो दोबारा आप प्रोसेस को नहीं करना, ठीक है? और ये नंबर जो है, इस नंबर पे आप जाकर के थाने में रिपोर्ट कर देना। ये फोन पे कंपनी का पर्सनली नंबर है, ठीक है? मैं आपको 900 रुपया काट के बड़ा आदमी नहीं बनेगा। इसको रिसीव कीजिए, देखिए आपका ये अकाउंट में जमा हो रही है या नहीं हो रही है। कम कितने कम है आपका ये इसमें? क्या मतलब, जैसे 1 रुपया आपका नोटिफिकेशन नहीं आ सकते आपने बोला, तो कितना कम, मतलब कितना कम है? अभी आप जैसे कम करके 900 रुपया किया, तो कितना कम का है? 10 रुपया इसमें 900 का है, उसके बाद आपको 1,999 रुपया का मिलेगा, उसके बाद 2,999, उसके बाद आपको 4,999। जैसे जैसे प्रोसेस होता है ना, जो जितना जितना ट्रांजेक्शन किया है उतना उसको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलता है। जिसको जिस तरह नोटिफिकेशन मिलता है उसी तरह यहाँ से कैशबैक दिया जाता है। लास्ट है इसमें 900 का है। क्या बोलूँ सर, तो बैलेंस कट जाएगा मेरे, मुझे लग रहा है। बैलेंस कट जाएगी तो फोन को रख दीजिए, ठीक है? विश्वास नहीं आ रहा तो हमको, आपको मैं जबरदस्ती थोड़े दे पाएंगे। हाँ, आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये तो बात है। अगर यदि आपको विश्वास नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है? कोई और प्रोसेस तो होंगे ना सर। अगर विश्वास है तो आप इसको कीजिए, मैं दूसरा नोटिफिकेशन भेजूं अभी। दूसरा तो सेम आएगा सर। हाँ सेम जाएगी, उसको करना है। क्या बताऊं, इसमें तो मेरे अकाउंट से ही पैसा चला जाएगा दिखा रहे हैं। आप बार बार वही बोल रहे हैं, आपको कैसे समझा पाएंगे बताइए? आप बार बार वही बोल रहे हैं कि हमारा पैसा चला जाएगी, तो मैं आपको कैसे यकीन दिला सकता हूँ बताइए? कोई बात नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं है तो रखिए। अब गुस्सा क्यों हो रहा है उतना सर? मुझे परेशान कर रहे हैं बिना मतलब के। जब आपको बोल रहा हूँ कि आपका अकाउंट से 1 भी रुपया 1 भी चार्ज नहीं कटेगी, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर यदि आपको इसमें 1 भी रुपया कट जाएगी, आपका अकाउंट से 1 भी रुपया माइनस होगी, तो इस नंबर पे FIR कर देना, ठीक है? और सारी बातें को रिकॉर्ड करके रखिए आप। उससे क्या फायदा होगा?
अभी लेना है तो देखिए आपकी लास्ट है, एक बार नोटिफिकेशन मैं आपको भेजा हूँ, उसको पे कीजिए, सेंड कीजिए, पासवर्ड दे करके डन कीजिए। डन करने के बाद बगल में क्रेडिट आएगी, क्रेडिट और डेबिट समझते हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो आप उसको अपना अकाउंट में क्रेडिट कीजिए, जैसे आप पे कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, पासवर्ड देकर के डन करने के बाद वहां पे क्रेडिट आएगा, उसको क्रेडिट को दबाना है, आपका अकाउंट में क्रेडिट होगी, यहाँ से डेबिट नहीं किया जा रहा है आपका अकाउंट से जो पैसे पैसा कट जाएगी। सर आपका ऑफिस का पता बताइए। हाँ, मेरा ऑफिस का पता है, गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नवाडा हेड ऑफिस से आपको कॉल किया गया है फोन पे कंपनी की ओर से। मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दिया हूँ, अगर यदि आपको विश्वास हो रही है तो इसको सेम प्रोसेस कीजिए, नहीं तो फोन को काट दीजिए, ठीक है? मैं दूसरा ऑफिस काम में कर रहा हूँ। जाके आपको इस आईडी से सामने से कर सकती हूँ, क्या जैसे फोन पे कर रही हूँ तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तो सामने से कर सकती हूँ ऑफिस में जाके? जरूर आपको सामने, आप फोन पे कंपनी का यहाँ सामने कोई नहीं आ सकता, आप कैसे आ सकेंगे? कहाँ है कंपनी आपको मालूम है? आपने तो अभी बोला नोएडा में है। हाँ, तो नोएडा आप आ सकते हैं अभी? अभी फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगी, मतलब थोड़ा नोएडा टाइम में लगेगी, मेरी 5-10 मिनट का टाइम रहता है, ठीक है? प्रोसेस को पूरा करना होता है, नहीं तो यहाँ से फेल हो जाता है, बार बार कंपनी से कॉल नहीं किया जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर नोएडा मेरा कॉलेज है तो आपका पता बता दीजिए मुझे, मैं तो मैं आपका ऑफिस में जाके सामने से कर लूंगी। ठीक है, फोन को रखिए, आपको नहीं लेना है, मैं समझ गया, रखो फोन। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है सर? कर दिए कॉल फ्रॉड। चलिए, देखा आप सब लोगों ने कैसे फोन पे फ्रॉड होता है, लाइव रिकॉर्डिंग। ऐसे चक्कर में मत पड़िए कोई, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जा सकते हैं। शुक्रिया।